संपूर्ण भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे रावण का नाम ना पता हो। रावण एक दुष्ट राक्षस था जिसके पापों का अंत नहीं था। रावण एक महापापी जिसने माता सीता का हरण किया। उसके पापों का अंत करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा था। लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रावण दुष्ट होने के साथ साथ, पापी होने के साथ साथ महापराक्रमी विद्वान और एक प्रकांड पंडित भी था। वह चारों वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी रावण की पराजय हुई। रावण ने अपने जीवन काल में अत्यधिक संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी दुष्टता के कारण वह सब कुछ खो बैठा। वानरों की एक साधारण सी सेना ने रावण की महाविनाशकारी सेना को भी परास्त कर दिया। रावण ने संसार को तीन ऐसी बातें बताई थी जो किसी भी मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार जो भी मनुष्य यह तीन कार्य करता है वह कभी भी धनवान नहीं बन सकता। उसे अंत में असफलता और विनाश का ही सामना करना पड़ता है। जो भी मनुष्य संसार में अपना कल्याण चाह और विश्व में अपनी कीर्ति बनाना चाहता है तो उसे इन तीन बातों से खुद को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। यह तीन चीजें, यह तीन बातें उसे क्षण भर का सुख तो दे सकती हैं, लेकिन अंत में उसे विनाश का ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि रावण ने ऐसी कौन सी तीन बातें बताई हैं। सबसे पहली बात, जीतने से पहले ही घमंड करने लग जाना। रावण के अनुसार मनुष्य को जीतने से पहले ही कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी युद्ध या किसी भी परीक्षा में जो स्वयं की योग्यता को ना जानते हुए भी घमंड करते हैं, जीतने से पहले ही अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, जीत मिलने से पहले ही अहंकार से ओतप्रोत हो जाते हैं, उन्हें अवश्य ही हार का सामना करना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कदमों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही किसी को नहीं बता देना चाहिए। अपनी योजनाओं को, अपने कदमों को हमेशा गुप्त रख कर ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा उस कार्य में सफलता मिलना असंभव हो जाता है। इस दुनिया में कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि वह दूसरे लोगों से अपनी झूठी तारीफ करवाने के लिए लोगों से ये कहते फिरते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े मूर्ख होते हैं और ऐसे लोगों को उनके उस कार्य में सफलता ना के बराबर ही मिलती है। अब दूसरी बात, रावण के अनुसार कभी भी किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसके कार्य का उद्देश्य सदैव लोगों की भलाई, समाज का हित होना चाहिए। अगर वही कार्य गलत भावना के साथ किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है, उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसीलिए जो भी कार्य करें उसके लिए मन में अच्छे इरादे रखिए। दूसरों के लिए प्रेम और भलाई की इच्छा सदैव रखिए, आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तीसरी बात, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य करें उसके पीछे लालच का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच के उद्देश्य से किए गए कार्य का फल सदैव बुरा ही होता है, क्योंकि उस लालच के पीछे दुर्भावना छुपी हुई होती है और ऐसे कार्यों में कभी भी किसी इंसान को सफलता नहीं मिलती। साथ ही रावण के अनुसार प्रतिशोध या बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य मनुष्य के लिए विष के समान है।
क्योंकि प्रतिशोध की मंशा से किए गए कार्य में व्यक्ति अकारण ही अपनी बुद्धि अपनी योग्यता को नष्ट कर देता है और उसे उस कार्य में सफलता कभी नहीं मिलती। तो प्यारे साथियों, रावण की ये तीन सीख आपके जीवन में सफलता का मंत्र बन सकती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।